सैमसंग का पहला 5G स्मार्टफोन अब सार्फिन के लिए दस्तियाब है। सैमसंग ने अपना पहला 5G टेक्नोलॉजी सपोर्ट करने वाला फोन फरोख्त के लिए पेश कर दिया है, मगर ये फिलहाल सिर्फ एक मुल्क में ही दस्तियाब होगा। इस फोन को 20 फरवरी को सैन फ्रांसिस्को में एक इवेंट के दौरान मुतारिफ कराया गया था, मगर अब इसे जनूबी कोरिया में फरोख्त के लिए पेश किया गया है, जहाँ 5G मोबाइल नेटवर्क ने काम करना शुरू कर दिया है। सैमसंग के मुताबिक ये फोन फौरी तौर पर जनूबी कोरिया में सार्फिन के लिए दस्तियाब होगा, तहम दीगर ममालिक में इसकी रिलीज के बारे में फिलहाल कुछ नहीं बताया गया। ये बुनियादी तौर पर दुनिया का 5G टेक्नोलॉजी सपोर्ट करने वाला स्मार्टफोन है जो फरोख्त के लिए पेश किया गया है, मगर मोटोरोला ने अमेरिका में 48 घंटे पहले 4G मोटो Z3 के लिए 5G मॉड्यूल्स मुतारिफ करा के जनूबी कोरियन कंपनी का एजाज छीनने का दावा किया है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक गैलेक्सी S10 5G को अमेरिका में 18 अप्रैल से प्री ऑर्डर में फरोख्त किया जाएगा और ये 16 मई को बाकायदा तौर पर पेश कर दिया जाएगा। यह डिस्प्ले के लिहाज से सैमसंग की तारीख का सबसे बड़ा फोन है, जिसमें 6.7 इंच डिस्प्ले दिया गया है। तमाम कंपनी का कहना है कि स्क्रीन बड़ी जरूर है, मगर इसका हजम नोट 9 जितना ही है, यानी बजल कम करके स्क्रीन को बड़ा किया गया है। इस फोन में बैटरी भी सबसे बड़ी है, जो कि 4500 mAh है। इस फोन में स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर, 8GB रैम और 256GB स्टोरेज दी गई है, मगर इसमें माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट मौजूद नहीं। बाकी फीचर्स के लिहाज से ये S10 प्लस जैसा ही है, यानी फास्ट चार्जिंग, फास्ट वायरलेस चार्जिंग 2.0, वायरलेस पावर शेयर, वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस, हेडफोन जैक वगैरह। मगर इस फोन में बैक पर 4 जबकि फ्रंट पर 2 कैमरे दिए गए हैं, यानी मजबूती तौर पर 6 कैमरे वाला फोन है। इसके फ्रंट पर 10 MP सेल्फी कैमरा और डेप्थ सेंसर कैमरा मौजूद है। इसके बैक पर एक 12 MP वाइड एंगल और दूसरा 12 MP टेलीफोटो लेंस, जबकि तीसरा कैमरा सुपर वाइड एंगल 16 MP शूटर है। चौथा कैमरा टाइम ऑफ फ्लाइट 3D डिपेथ कैमरा है, जो डिपेथ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने का काम करेगा और इसमें पोर्ट्रेट या लाइव फोकस फोटोज बेहतर होंगे। जनूबी कोरिया में इस फोन को $1200 1,69,000 पाकिस्तानी रुपए में फरोख्त किया जाएगा। दोस्तों, इस फोन के बारे में आप क्या राय नीचे कमेंट जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।